सर, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जी। जी थैंक यू वेरी मच सईद रहमान फॉर रिसाइटेशन फ्रॉम हॉली कुरान। जी सईद, मैं जो जो भी बच्चों की जिनकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको सब करता जा रहा हूँ, उनको कहें कि वो ज्वाइन कर लें, वो आ रही हैं जो भी ना, मैं उनको ओके करता जा रहा हूँ, वो जो जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। असल में जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जिनका लॉगिन है ना, वो तो फॉरन लॉगिन हो रहे हैं बगैर किसी परमिशन के, और जो आउटसाइड यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब किसी का आ रहा है तो उसके लिए फिर वो परमिशन मांगते हैं, तो मैं उसको ओके करता जा रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट। वो शाहजहां साहब अभी थोड़ा सा बिजी है अपने स्टूडेंट के साथ गालबन, तो फिर आप काइंडली जरा स्टार्ट कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही सर। मैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज साहब फॉर प्रोवाइडिंग मी विद द अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। अच्छा सर, मेरी स्क्रीन मेरा ख्याल है फिर शेयर हो रही है शायद, जी मैं इज देख इट लेता हूँ। क्लियर? आप जी जी ये ना जी बिल्कुल शेयर हो रही है। जी ओके सर, ओके। अच्छा लेट इट बी शेयर्ड सर। अच्छा अब सही जी, अब मेरा ख्याल है ठीक है सर, स्क्रीन शेयर्ड है ना? जी जी, ओके जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज साहब हमें ये फॉर प्रोवाइडिंग मी विद द अपॉर्चुनिटी टू टॉक ऑन द सब्जेक्ट। कोविड-19, कोरोना वायरस, इट्स द टॉक ऑफ द डे आजकल। इसको जो थर्ड वेव ने, फर्स्ट सेकेंड वेव हमने गुजार ली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान इज नॉट बीन दैट मच अफेक्टेड विद दिस वायरस एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और अदरवाइज वी वोंट हैव बीन हैविंग दैट मच हेल्थ फैसिलिटीज टू कोप अप विद द डिजीज। अल्लाह ने मेहरबानी की, हम इवन थर्ड वेव इज नॉट दैट मच डूइंग दैट मच हार्म लाइक इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज व्हिच आर नियर टू अस। सो एनीवेज, देयर आर फ्यू नेचुरल रेमेडीज व्हिच आर प्रूवन टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, एंड रीसेंट स्टडीज दे हैव आल्सो सजेस्टेड दैट द सेम कैन बी यूज्ड फॉर कोविड-19। जस्ट टू कीप अप विद द पेस, कुछ सम बैकग्राउंड नॉलेज मोस्ट ऑफ यू, बिकॉज डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहजान साहब विल बी डिस्कसिंग द वैक्सीन, देयर फॉर ही माइट बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कोविड एंड देन द रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन, देयर फॉर आई वॉन्ट बी गोइंग इन टू दैट मच डिटेल, आई विल ट्राई टू स्टिक टू माई टॉपिक। एनीवेज, कोविड और कोरोना वायरस, इट इज अ वायरस फैमिली विच इज नोन टू काज अ रेंज ऑफ डिजीज रेंजिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू सीवियर निमोनिया। राइट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम्स, the virus is it multiplicates, it gets entered into the different cells including the heart cell, lungs tissues, kidney cells, and then the very first organ which it infects is the are the lungs, and therefore the leading disease representation is the pneumonia, and mainly like other aerosolic viruses are the bacteria, it spreads through the droplet of saliva or discharges from the nose whenever an infected person he coughs or sneezes. Up till now, 133 million people throughout the world, they are infected, and 2.88 million people, they have died of this COVID-19. And right now, we don't have got that much available antivirals against them. Currently, we are trying the previous therapies which were used against this, a family of virus. You must understand, especially the young students out there with it as well. ये फैमिली ऑफ वायरसेस थी विच वॉज प्रीवियसली देयर, एंड वट वी आर डूइंग इज बिकॉज ऑफ द अर्जेंट नीड फॉर द थेरापूटिक पर्पजेस, वी आर अप्लाइंग द प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल, थेरापूटिक प्रोटोकॉल्स, प्रीवियसली एस्टैब्लिश मेडिसिन वगैरह वो हम इसके अगेंस्ट यूज करते हैं, इवन फॉर द सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो के इन सम ऑफ द पेशेंट्स द थिंग ना, कुछ मरीज ऐसे हमारे पास, वट आई बिलीव बींग एन इम्यूनोलॉजिस्ट, इस वक्त हमारे हम जो लोग आप में से अल्हम्दुलिल्लाह walking around, who are doing everyday jobs, they have survived it, alhamdulillah. Hum sab jo bach gaye hain, uthke fit ho rahe hain, hum sab ne survive kar liya is virus ko, theek hai. Then there are few person who we'll be talking about them, but previously jo antivirals ho rahi thi, remdesivir ya lopinavir ya ritonavir, dexamethasone to khair inflammation ke liye thi, to हम लोग सिर्फ प्रीवियस जो थेरेपीज थी जो मैनेजमेंट के लिए यूज होती थी, एंटीवायरल थी, हम उनको ही यूज कर रहे हैं इसके अगेंस्ट सो फार,
और इफेक्टिव एंटीवायरल्स दे आर नॉट अवेलेबल. इंटरेस्टिंग जो है इसके खिलाफ रिजल्ट्स बीन ऐसी ड्रग्स ने भी दिए हैं. एनीवेज द नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन सच एज वेयरिंग मास्क इन द पब्लिक, अवॉइडिंग पब्लिक क्राउडिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, रेगुलर हैंड वॉशिंग दे आर रिकमेंडेड. And it has also been established that the persons who have previous history of having the diabetes, or they are obese, they have gained weight, they are previously diagnosed with hypertension, high blood pressure, then they have got this high risk for COVID-19. In the past, 5 pandemic respiratory diseases, we are just talking about the related flu virus and COVID related diseases, they have been caused by different subtypes of influenza virus. And bear in mind that this influenza virus, and for these influenza virus, pigs, they served as the reservoirs. That included the 1918 very famous Spanish flu virus, which culminated the lives of 50 million people. Or believe, and please keep that thing in your mind. The second wave was comparatively, it was more lethal than the first one. Then 1957 Asian flu, 4 million people, they lost their life. 1968 Hong Kong flu, 1 million people. Then 2005 18, and then subsequently 2009 swine flu, Yabur flu, which we called it. It led to the dying of about 18,000 people. So this virus, the COVID-19, it utilizes receptors, angiotensin converting enzyme 2 ACE2 receptors, which are found on the surface of different cells, including the lungs, kidney, hearts, and arteries. And therefore, these are the target sites for this viruses. And it enters through these, it utilizes the receptor, and then it multiplicates in the said organs. Symptoms, it's established there are fever, cough, shortness of breath, difficulty breathing, initial symptoms like fatigue, sore throat, body pains, even diarrhea is reported, especially in children during the first wave. I must add to it, I got ill with COVID-19, I developed signs and symptoms, ultimately, absolutely for 14 days. I got these very bad body pains, and along with that, since being a microbiologist, immunologist by profession, what I was initially doing was, right when I heard of this COVID-19, I heard about this the disease, the deaths that have been done by this disease, I started using multivitamins. I was looking carefully towards my symptom. I was taking good care of myself as well as my family. However, like the person said, my friend used to tell me, "Tumhe COVID hona tha because you are working very hard not to get it." ठीक है जी आप इतनी एहतियातें कर रहे हैं आपको तो होना था. Anyways, subsequently, मुझे I suffered from COVID-19, developed symptoms, सही है जी, body pains, high fever, और साथ में breath shortness of breath and difficulty breathing. Alhamdulillah, इतनी ज़्यादा severe नहीं हुई, because I was already, you know, right from the day 2 I started. At that time, luckily I got this hydroxychloroquine, and then I got this azithromycin. I was using that as well, recommended, and ye dono. So the person, what happens is, if most of the person, like I said to my father, "You are surviving, you are near me, and if I develop the disease, you have got it too." My father did not develop any sign except for loss of smell. Unko sirf loss of smell or loss of taste bhi nahi hua. Kuch person, in few of the persons got this disease, they survived it clearly. Kuch masla nahi, koi problem nahi, and then wo bilkul theek, was community mein spread kar rahe hain, dhada dhada ghar aage se wo ehtiyat nahi kar, because it's very much important. If you are just the carrier of the disease, just still you use, still you avoid these social, crowded places. You wear the mask at all times, not at all times, especially when you are meeting with people, and you take good care of the sneezes. Say ye jo manage kare in cheezon ko. It's very important. So initial symptoms, wo hai patient who survived them. Then few persons, the smelling or tasting abilities. Then the people have got the fever for a couple of days. Then the severe sign and symptom, fever with cough, with shortness of breath, and pneumonia, and ultimately kidney failure, and even death can occur. ये कुछ बचाव की तदाबीर थी, because I also planned it for Urdu audience as well. So they are available in social media and everywhere. Alamat, tez bukhar, nazla zukam, khansi, saans lene mein. You can hear me, na? Just wanted to confirm it. मेरी आवाज आ रही है जी आप सबको? Yes sir. जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है. Yes sir.
ओके सर ओके सर ओके। अच्छा देन द सब्सिक्वेंटली द प्रिकॉशनरी मेजर्स इट्स बीन एवरीवेयर के भाई आप इस्तेमाल के बाद टिश्यू को वो करें, हाथ यू जस्ट वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यू ट्राई टू कुक गेट कुक्ड मील, ये तो वैसे ऑलरेडी दीज प्रैक्टिसेस आर विद अस बीइंग द एशियन एंड बीइंग द पाकिस्तानी कम्युनिटी, यू आर ऑलरेडी टेकिंग गुड केयर ऑफ दीज थिंग्स, देन अबव ऑल अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम बिलोंगिंग टू मुस्लिम फैमिलीज, एबोल्यूशन वुजू की बड़ा मजे का फिनोमेना है और वो भी एस्टेब्लिश्ड है कि अब इसकी वजह से हमारे पास वो है बचाने की ये बातें मुख्तलिफ ये प्रोटोकॉल्स पे हमारे पास सोशल मीडिया पे हर तरफ आम है। नाउ कमिंग बैक टू माई टॉपिक, प्लीज बेयर इन माइंड मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, द रेमेडीज द नेचुरल रेमेडीज इसकी तरफ वापसी हो रही है बिकॉज द यू नो दैट दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज बींग डिवेलप्ड, सही है जी, राइट फ्रॉम द म्यूटेशन रेट of the microorganism is at a much higher pace than its host, and mainly we are talking about the human being, chahiye hamare mutation rate se viral ka mutation rate because of the simple genome that they have got utni tezi se replicate karta hai, utni tezi se mutate karta hai, and because of that hamare paas we have drawn out of the options, मेडिकल ऑप्शन थेरेप्यूटिक ऑप्शन हमारी खत्म होती जा रही है, वी आर डेवलपिंग द मेडिसिन एग्जैक्टली, इट इज वेरी सक्सेसफुल इंडस्ट्री, ब्लूमिंग इंडस्ट्री, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडस्ट्री, हाउएवर देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, सही, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना दैट मैं आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस नेचुरल रेमेडीज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड क्योर फॉर COVID-19, आई एम जस्ट सजेस्टिंग दैट दीज रेमेडीज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड सम प्रिकॉशनरी मेजर्स टुवर्ड्स द COVID and other flu-like viruses and the bacterial infections as well. So I'm fully aware that there are so many websites, there are so many social media available which suggest eating garlic won't do good for you, this steam inhalation it won't be effective for you, Islamic rituals, these ablutions, wuzu karna koi wo nahi hai ji, isko aap recommend na kare, aap ye gargling wagera garare koi fayda nahi hai iska, tissue ki special type ka koi fayda nahi hai, fir aap different disinfectants ka, red color soap jo hai wo zyada, I understand the natural remedies which I am going to suggest, they are not it is established there, aapko bahut data milega iske against bhi, so main agree kar raha hu ki bhi usse, main ye nahi hum bilkul sab ki thoughts ko main ye nahi keh raha, I am not providing the last words therapies against the COVID, just quick things different COVID the simplest form of the life provides the simplest form of the magnificent form of the destruction, zehn mein rakhna, ajeeb si baat hai, jitna simple virus rehta hai ya bacteria rehta hai utni khatarnak diseases cause karta hai, and being the student of you know this as molecular biology genetics ko samajhte hue hame ye baat hi hai ki bahut simplest jo viruses ya bacteria rehte hain unke liye mutation bhi utni have got that much complex machinery to develop, theek hai ji, isliye very famous it's ki RNAs, these are RNA enveloped virus, nucleocapsid proteins are there, spike, they are very famous spikes, you must keep in your mind that the coronavirus are named because of the corona due to the presence of these crown like these spikes, because of these spikes iska structure jo hai bada crown like, aur latin mein coronum jo hai that is named for crown, aur then different proteins they've got their own importance, I believe that that's more related to Dr. Shahjahan topic. Acha right, like I was saying, life ki agar aap ye baat kare ya cells ke liye se baat kare unki survival ki baat kare to you will see that this if you say that you want to kill some life, some sort of life, to sabse aasan jis life form ko marna hai that those are the lipid viruses or medium sized viruses, and just look at the viruses which are included, there are the HIV virus, there are herpes virus, hepatitis B virus, influenza, theek hai ji, SARS-CoV-2, so what I this is a very popular you know image of the microbiology and related biomedical sciences students, ye resistance survival ki bahut popular image hai, so where does our virus, these very difficult jinka naam sabse khatarnak rehta hai, and they lie on the bottom of the list, bahut aasan sabse aasan marna, then we have got some vegetative bacteria, then we have got some fungus, then the non lipid viruses such as the polio and coxsackie virus,
tuberculosis, mycobacterium, this is amongst the top four, I must say. Then some coccidia, cryptosporidium, then the bacterial spores, they are a difficult form, and then prions, they are at the top as far as the resistance of life is concerned. Sabse mushkil prions ko khatam karna aur sabse aasan kisko marna, HIV and influenza and COVID virus ko, iski killing ko hai. Like the very famous these experiments that were recently conducted, some of you are of higher level, so you must be having some of these data in your mind. A recent study which has published, I provide the DOI of the study as well in the link. And in this study, what they have done is, they have used enveloped virus. They have compared the survival of enveloped viruses versus the non-enveloped virus. That is a comparatively recent study. Or the non-enveloped viruses, they included MVM, minute virus of mice, and Coxsackie virus, B4. And the enveloped virus which they included was H1N1 influenza virus and herpes simplex virus. And just look at the survival of them. What they have done is, in simple words, they have prepared the virus suspensions, okay, and then they use a simple biosafety cabinet, class 3 cabinet mein kya kiya unhone, viral suspension ko petri plates ke jo cover hain, lids hain, usme dal ke chhod diya for about 6 weeks, 6 haftaon tak. And what they have seen is suspension on kiski, ye char different, do enveloped, do non-enveloped virus, or see survival dekh rahe the, inme se kaun bachta hai. What they have, interesting result, and this is established from so many other studies as well, that the enveloped viruses, they have just dried, they were killed within 3 to 5 days. Asani se enveloped virus, in comparison to the non-enveloped virus, which survived for a few weeks, even more than 6 weeks in their study. So what is previously yehi wali baat hai jo bahut purana, these data are 90s ka, ye established hamare paas protocols hain, leopard virus are these enveloped virus, they are more susceptible, very easy to manageable, very easy to kill, and they are being supported by so many different other studies which are recently been published. Asan hai inko marna, what I suggest to the audience. Problem kya aa rahi hai, bada asan hai marna, आई कैसे और वो क्या हुआ, वेरी सॉरी, थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं चूंकि नेचुरल रेमेडीज से मैं मिलाने के लिए बात आपके लिए इस लेवल पे ये बात करनी जरूरी है. नेचर हैज बीन वेरी काइंड, बिलीव दिस थिंग, बहुत काइंड रही है नेचर हमारे साथ. अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है. मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को, आई यूज टू से टू देम, हर सेब हम खाते और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेब में, अब आप जाए बाहर रेडी से उठा के, लोग उठा के चीजें चखते रहते हैं, अच्छा यार दिखाओ कौन सा वाला है, फिर वो भी फटाफट कहते हैं ये लें जी, चख लें जी, अमरूद खाएं, सेब खाएं, ठीक है, कोई धोना छोने वाला कंसेप्ट नहीं है. एंड पीपल दे सर्वाइव इट एवरी डे, पीपल दे सर्वाइव इट. जस्ट दिस मॉर्निंग व्हेन आई वाज गोइंग आउट टू थ्रो माय दिस रबिश, ठीक है जी, अपना घर का वो मैं फेंकने गया बाहर कैंटोनमेंट में, फर्स्ट क्लास, उसमें एक लड़का लगा हुआ है, ढूंढ रहा है चीजें अपने लिए स्टफ में, गार्बेज में से ढूंढ रहा है, यार इसमें से मेरे काम की क्या चीज हो सकती है. सही है जी. और हमारी ये हालत है कि at times with the apology we don't ourselves, hum haath nahi lagate apne usko, housekeeping staff ko bolte hain jao yaar tum phenk ke aao isko. Sahi hai ji. And the person he might be looking into that litter, usme se dhoond raha hoga mere kaam ki kya cheez, he is not getting infected to that, and why are we? Anyways, that depends on the immunity, that depends on the exposure. What over here I am suggesting is, there are different barriers, nature has been kind. Microorganisms radially transferable nahi hote. There is a barrier. ठीक है जी. जैसे कि नेचर में वी आर प्रोवाइडेड विद द बैरियर्स ऑफ द सीज, समुंदर के बैरियर दिए हमें, कहीं पहाड़ों के बैरियर दिए हमें, कहीं आइसबर्ग्स के बैरियर दिए हमें, कहीं ग्लेशियर्स के बैरियर दिए, कि यहां तक अपने आप को कंटेन रखो, इससे उस तरफ ना जाओ. देयर इज जो फिनोमेना है, बिला वजह नहीं है, जस्ट थिंक ओवर इट. ये किसी वजह से, मतलब ये चीजें विच आर डेवलप्ड, दे आर देयर. हमें एक्सपोजर दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, डायरेक्ट इनहेलेशन में वी गेट थाउजेंड्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू आवर बॉडी, बट राइट देयर हमारी बाहर हमें स्किन दे दी ह्यूमन को, कि भाई ये आप डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो. इंटरनली हमें म्यूकोसल मैम लाइनिंग दे दी, और उधर ही हमारे पास डिफरेंट आईजी इम्यूनोग्लोबुलस दे दिया, आईजीए दे दिया, इसके अलावा लाइसोसाइम, सो मेनी अदर डिफरेंट हार्मोन्स एक्टिविटी दे दी, ताकि एक्सपोजर अगर है भी तो देयर शुड बी सम बैरियर टू कंटेन इट.
फिर नेक्स्ट बैरियर दे दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड है जी, सर्कुलेशन कर रहा है, बैरियर दे दो इसको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के जरिए, इसको वेसल्स में डाल दो, फिर जी ब्लड को पहुंचाना है दिमाग के लिए तरफ ही लेके जाना, आप क्या करें, माइक्रो ब्लड ब्रेन बैरियर दे दो, स्पीशीज में बैरियर दे दिया, यू यू आर नॉट, यू डोंट गेट फूड स्पॉइल्ड फूड से, एग्जैक्टली यू गेट द डिस्कम्फर्ट्स आप में डेवलप होती हैं, यू गेट द डायरिया, यू गेट द वॉमिटिंग। आप छोटे बच्चों में एक अजीब सी बात देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं ना मुंह में तो चीज डालते हैं, लेकिन कुछ नेचर ने एक बड़े मजे की चीज उन्हें दी हुई है, दैट इज बिस्टोर्ड ब्लेसिंग ऑफ द नेचर है, एट टाइम्स दे वोंट ईट द स्टेल मील्स। आप स्टेल मील उन्हें खिलाओ ना, कुदरत ने आसान सा ना जी टेस्ट स्मेल और उसका दे दिया, एक फिनोमेना दे दिया, आप उन्हें बगैर मीठे की चीज खिलाओ बच्चा खा लेता है, लेकिन अगर आप उसको बासी चीज तो दो, तो आप देखना अल्लाह पाक ने ये मेहरबानी भी की हुई है, यू माइट स्पिट इट इंस्टेंटली, सही है जी। सिमिलर गोज विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, I worked on Neisseria meningitidis during my work, during my PhD work. Neisseria meningitidis serogroup B is able to kill a human being within 4 hours. 4 ghanton mein insaan ki death ho sakti hai serogroup B Neisseria meningitidis se. Aur 10% population iski carrier hoti hai Neisseria. 10% population mein waise bhi hota hai, lekin different other strains hote hain aur opportunity nahi milti microorganism ko. Aur 10 hours to bada acha time hai, 10 ghante Neisseria meningitidis ke liye bada acha time hota hai to kill a human being. Acha, dusri taraf I used to do these animal experiments, mera kaam animal work ka hai, acha ji, animal model progression model disease ke jo hai wo establish karne ka tha PhD mein. So what I've seen is that these receptors which are present in the human body, CD46 receptors, they are absent in the mice. तो अल्लाह पाक ने एक चूहे को जिस बीमारी से बचाया है वही बीमारी एक इंसान को 4 घंटे में मार देती है. This is the barrier that I'm talking about. उनको भी conversely होता है. The diseases which the plants gets, we don't get. We don't have got the receptors. It is receptor based है सारा. Animals get, we don't get have it. And vice versa. ऐसा ही होता है opposite. However, up coming back to the slide, the most dangerous microorganism, so anyways I have to develop some techniques ke bhai main unko kaise infective karun, that won't be interest for you. So what I am suggesting is the most dangerous microorganism for human are those which are ideally easily transmissible, easily route of transmission aasan ho, aerosolic jaisa route hai bahut aasan maze ka, instead of that agar aap kahein direct contact hai jaise ki congo virus wagera ka hai, mushkil hai na ji, aur fir beech mein reservoirs bhi hain, to easily transmissible jo hote hain wo the most dangerous hote hain, virulent ho, pathogenicity virulence ka phenomenon aapko pata hoga, theek hai ji, less number ke sath more potential to cause the disease, then they are microorganisms which are invasive to organs and they are robust survivor in the environments, jo difficult conditions ko survive kar sake, and they comparatively have a low infection dose, and they are mostly without any specific treatment or vaccines. And what happens is actually this interspecies barrier mein ye sari quality aap padhte jaye aapke zehen mein corona aur hiv aur ye viruses aa rahe honge, tuberculosis aa raha hoga, theek hai, bacteria ki surat mein, to matlab easily transmissible hoga, virulent bhi hoga, सर्वाइव भी कर लेगा एनवायरमेंट्स को, लो इन्फेक्शन रेट होगा, और ट्रीटमेंट वगैरह उसकी मैनेजमेंट थेरेपी ना हो जिसकी. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज व्हेनेवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे क्रॉस द स्पीशी बैरियर्स देन दे आर मोर डिफिकल्ट टू कंटेन, ये ध्यान में रखें. जब जब आपके पास स्पीशी बैरियर्स को वो कवर करेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द स्पीशी बैरियर क्रॉसर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जितने हैं जूनोटिक जितनी इन्फेक्शन वो ह्यूमन को जब होंगी बहुत बड़ा मसला होगा, ऐसा नहीं है, बट ज्यादातर ऐसे होता है. दिस इज एस्टेब्लिश्ड लाइक कम दैट प्रीवियस स्लाइड दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट द 5 पैंडेमिक, हिस्ट्री की सबसे बड़ी पैंडेमिक जो इन्फ्लू वायरस की वजह से हुई, और मैं उसमें वो जो पिग्स एज अ रिजर्वायर को मैंने क्यों किया था, इसीलिए किया था, रिजर्वायर बीच में एक एनिमल आ गया, फिर जब डिजीज म्यूटेटेड फॉर्म में टुवर्ड्स अ ह्यूमन आती है, देन इट ब्रिंग्स डिजास्टर फॉर ह्यूमन बीइंग. सो मोस्ट ऑफ द जूनोसिस व्हिच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल आर ऑफन विद दीज इंसेक्ट एज वेक्टर्स, सही है जी. और इसमें ये जो ज्यादातर ऐसी डिजीजेस आती हैं वो ऐसी होती हैं जो जूनोटिक फॉर्म में होती हैं, जस्ट लाइक द न्यू कोविड वायरस और द कोरोना वायरस, व्हिच इज लाइकली टू कम फ्रॉम द पैट्स थ्रू वन स्टडी सजेस्ट दैट पेंगुलिन माइट बी द ओरिजिन टू. अब ये आप देख सकते हैं हमारे पास लेट्स से मार्स जो है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स वायरस है, एमला वायरस है, एनिमल्स का सोर्स प्रीवियसली एनिमल्स से उसकी
अपब्रिंगिंग आपके पास इस्टेब्लिश्ड है कि भाई ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वायरस जो है ओरिजिनल सोर्स थी इजिप्शियन टॉम बैट में था जी, हॉर्सशू बैट, आजकल कोरोना कोविड के लिहाज से हॉर्सशू बैट्स का कंफर्म ये किया जाता है ना कि हॉर्सशू बैट्स के जरिए जी जी इसका इंटरमीडिएट होस्ट हमें नहीं समझ आ रहा, पेंगोलिन शायद हम सम पीपल देन सम स्टडीज सजेस्ट दैट पेंगोलिन आर द इंटरमीडिएट होस्ट एंड फ्रॉम दैट इट हैज कम इनटू द ह्यूमन बीइंग सही. And then fruit bats के जरिए बोला कभी intermediate host नहीं, however originally from fruit bats that established the studies are there. So whenever a microorganism, a virus or a bacteria it crosses the barrier of the interspecies, एक species से दूसरी species की तरफ आएगा आएगा, so the results can be disastrous. ये मैं what I was focusing on. Now coming back to my the therapy that we are suggestive. It's established, very much established. We are from the biomedical sciences. ठीक है जी, सम फ्यू रेमेडीज, नेचुरल रेमेडीज नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट. सो वी नो दैट ऑफ ऑल द अवेलेबल डिफरेंट टेक्निक्स फॉर कंट्रोलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट आपके केमिकल कंट्रोल कहें, आप उसका फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल वगैरह कहें, तो इसमें स्टरलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक विद विच वट वी डू इज वी हैव दी स्टीम अंडर प्रेशर. ठीक है जी, आप उसको अंडर प्रेशर स्टीम को यूज करते हैं. ऑटोक्लेव इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉर्मली बीन यूज्ड इफ यू गॉट डोंट हैव गॉट द फैसिलिटी ऑफ ऑटोक्लेव, एंड सिंपल होम कुकर इट माइट डू वर्क फॉर यू. एस्टैब्लिश्ड है दैट इज व्हाट वी डू टू गेट रिड ऑफ ऑल द सॉर्ट ऑफ माइक्रोबियल लाइफ. रिसर्च में काम करना है, एडवांस लेवल रिसर्च है, वेयर यू डोंट वॉन्ट टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंटेमिनेशन, तो आप you use this sterilization technique as autoclaving, autoclaving as the sterilization, moist heat ko aap use karte ho under pressure and that provides you with the ultimate form of sterilization. And again yahi jo hai kya ho kya raha hai, microorganism they are very much susceptible to this steam under pressure, steam ko moist jo hai isko ye free radicals bante hain which are very much destructive for them. And a recent studies they have also shown that the temperature of 56 degrees centigrade for 15 to 30 minutes in liquid environments were enough to break down SARS-CoV-1 and COVID-2 capsids wagera. Iski jo covering hai isko todne ke liye 56 is enough. Steam about 40 plus minus temperature hota hai 4-5 degrees, that is again, and then when it is provided with subsequent, you know, usko repeatedly used karte ho for 2-3 times per day, then it helps a lot. What it does is it moisten and loosen the film and avoid secondary bacterial infection, sinusitis wagera. Since I have myself, I've been infected with COVID, and I know this sinusitis that is killing the bacterial secondary bacterial infections. Ye jo shadid pain hota hai eye socket ka, walls ka ya sar ka, that is the secondary bacterial. Even the flu virus mein aisa hota hai, flu virus ki surat mein aisa hota hai aapke paas, sore throat mein is tarah se ho sakta hai. Streptococcus pneumonia ki sab ke baad secondary infections mein se ho sakta hai. So what happens is this steam inhalation therapy, it is very much effective. It moistens the sputum and then drains it down, so up then it's better. And then another study they have also shown, I'm quoting this, another study, a recent study has reported, not recent study but that is they have reported that this steam inhalation has not shown any consistent benefits in the treatment of common cold. ये इन कंट्रास्ट टू आर सजेशन है, लेकिन मैंने ये स्टडी को भी बड़ी तफसील से पढ़ा था. एंड व्हाट दे हैव डन इज द बर्न यूनिट, ये स्टडी बर्न यूनिट्स में की गई है. ठीक है जी, तो बर्न यूनिट्स में उनके पास जो मरीज जलते हैं वो आते हैं, तो वो आते थे, तो इन्होंने बड़े मजे की, ये इंटरेस्टिंग स्टडी है, आई नॉट प्रोवाइडेड दिस लिंक, आई विल प्रोवाइड इट. सो अब आपके पास लोग आते हैं, कहते हैं बर्न यूनिट में आते हैं जी, पूछते हो आप हिस्ट्री पूछते हो, वो कहते हैं हाँ जी मैं भाप ले रहा था या ले रही थी उस दौरान, द स्पिलेज अकर्ड एंड मेरा उसके लिए बर्न हो गया. तो देयरफॉर सिंस दे द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड द पर्सन हु बिलोंग दे बिलोंग टू द बर्न केयर यूनिट, सो देयर फोकस वाज मोर मेनली, थोड़ी सी बायसनेस मुझे स्टडी में लगती है, उनका फोकस ये था मैम हमने ये साबित करना है बर्निंग जो है वो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. सो तो कॉमन कोल्ड के साथ कंपैरिजन नहीं किया उन्होंने, बर्निंग के साथ ज्यादा किया. यू कैन गो एंड चेक द स्टडी योरसेल्फ. तो जब आप अपना फोकस ये रखोगे, लोग आए हैं जी देखें इनके सिम्टम ये जले इस चीज से, किसी का चेहरा जला है, किसी का ये जला है, हाथ जल गए, किसी की टांगें जल गई, तो एनीवेज वी डू सजेस्ट दैट इफ यू टेकिंग योर टेकिंग द स्टीम इनहेलेशन थेरेपी, आप यू टेक केयर ऑफ द यूटेंसिल्स, आप ख्याल करें. ये नहीं है हमारा मकसद, ये नहीं है कि आपको
आपका सही है जी, आप रेस्पिरेटरी ट्रैक अपनी जगह रहे और आप जो है चले जाएं, सही। सो यू नीड टू कीप हनी या शहद, इट इज वेरी इफेक्टिव, इट हैज गॉट हेल्थ प्रॉपर्टीज, प्रूवन हेल्थ प्रॉपर्टी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटी कैंसरस, हीलिंग की जो एक्टिविटीज हैं, एंड इट इज ऑल्सो सजेस्टेड बाय द डिफरेंट स्टडीज दैट इन वायरस दे आर ससेप्टेबल टू, वेरी सेंसिटिव टू द विरुसिडल इंग्रीडियंट्स विच आर प्रेजेंट इन नाइट्रोस्कॉबिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, नाइट्रिक एसिड, H2O2. And a recent as in silico approach, it showed that honey may inhibit SARS-CoV-2 proteases, and some compounds of honey may be able to bind to SARS-CoV-2. So this is also in silico studies, very much in these days. Simulation studies, computer-based studies are very much in, and they provide very promising results. Garlic, a lesson against, again, the usage, its utilization is already established in certain conditions which are related to heart, blood pressure, cholesterol level. And then it is also established that it provides immunity and boosts the immune systems and reduces the symptom severity of the cold and flu. Even one study showed that daily garlic supplement, it reduced the number of cold participants experienced by 63%, or then cold jo symptoms that they can be reduced instantly because this, the garlic, the role of the garlic in boosting up the immune system is already there, it's established. So the people, they can get reduction in the symptoms effectively if we use garlic. Cardamom, elaichi and badi elaichi. Why did I include this? Please believe me. I myself was having symptoms, and then I've asked so many other people who have got the symptoms. Maine unse pucha, jab sana makhi COVID ke khilaf effective show, theek hai, kuch suggest ho rahi thi, saath saath, then I someone suggested to me use this cardamom, badi elaichi, choti nahi badi, choti bhi use kare, but go for the original one, badi wali. So then I digged out the role of it. It is already there in fats or diabetes ke liye to hai hi hai. Antioxidant properties are excellent in it. Theek hai ji? Or it's what actually it does it, the big cardamom that I'm talking about, it broadens the larynx. ठीक है जी, ये एक ब्रॉडन, ठीक है जी, नेजो डायलिटेशन करती है, ये खोलती है आपको नेजो नेजो फेरेंक्स का जो पैसेज है ना, इसकी डायलिटेशन करती है. एंड मुझे जिन बंदों ने रिकमेंड की, दे हैव रिकमेंडेड इट विद दिस प्रपोजिशन, and I've seen some wonderful results, and then I've asked other people and I strongly recommended it then because main bada effective role dekha tha. At one time I was having this difficulty, I felt very much, you know, difficulty in my a little bit, not that much, difficulty in breathing and pressure in my chest. And then when I myself used it, then I've asked so many other people who have used it, you know, mujhe suggest kiya tha, why did you use it? And then I even this is something which I have seen, so it is effective and studies they have shown it. Uske baad maine dig out kiya iska role, maine kaha if is that much effective, is there any studies which are providing some basics function about it? I mean, there are studies over there. Antimicrobial potential of this cardamom is established in food sciences. Established role, antimicrobial activities ki. Turmeric or haldi, it is there, very easy. Previously, jitni bhi cheeze hain, hum concoctions ya kya bhi bolte hain, unme zyadatar istemal karte hain. Then turmeric, it has got a very active compound, curcumin, which is very much conspicuous, and this is actually, it is widely reported for potential COVID-19 treatment due to stronger interaction with the protease enzyme. Different enzymes, aapko pata hai, viruses jo hain, wo it utilize karte hain for their assembly ke dauran, aur kuch proteins ko on karna hota hai, kuch ko off karna hota hai, kuch proteins ko degrade karna hota hai. So this curcumin is very much effective against some of the proteins and enzymes which are used for the assembly of the viruses. So the utilization can be simply, it can be simply sprinkle some powdered turmeric directly in mouth near epiglottis or gargle turmeric with warm water. So gargling is recommended. Also aspirate through nose for better results against most of the upper respiratory tract infections. So it is like direct applying to the applying an antimicrobial agent, directly applying it to the micro to the pathogen. In ke liye he suggested ke why can't we use this, you know, isko hum log aise chemicals wagera jo is kisam ke hain ko direct peene ka bhi hamari soch rahe hain, to usne galti ki us waqt nahi piya, peeta to shayad duniya ke liye acha hota. Anyways, so this turmeric, it is a hallmark over there. Okay, directly we utilize it as spices in our meals.
एंड इट हैज अगेन इट हैज एस्टैब्लिश्ड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड नेचुरली हम लोग करते हैं कुछ चीज वी बीइंग इन एशियन वी बीइंग द पाकिस्तानी कम्युनिटी देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी डू व्हिच आर नेचुरली हमें बचाती है सही है द वे वी कुक द मील इट इज वेरी मच इफेक्टिव ये कुकिंग करते रहो तड़के लगाओ दबा दबा के वो एक तरफ इट इज कोलेस्ट्रॉल और चीजों के लिए आई डोंट से कि उनके लिए अच्छा है उनके लिए बुरा है ठीक है दुरुस्त है हाउएवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दे गेट किल्ड विद दिस बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक लाइसिस ठीक है आप इतना नमक डाल रहे हो आप इतनी मिर्चें डाल रहे हो आप इतना हल्दी डाल रहे हो द थिंग्स दैट यू ऐड टू इट They have got their own benefits on one side and they have called very established antimicrobial activity on the other side. So, आपको आपने से अगर कुछ young जो जो मेरे हमारे पुराने जो लोग हैं उन्हें याद है ये जो bird flu जब आया था तो bird flu के दिनों में हमारे हमारे पाकिस्तान में the survival rate was comparatively higher because we cook the meal, we cook the, these chickens effectively. हम इनकी बहुत अच्छी cooking करते हैं which helps. Darchini, cinnamon, traditional medicine, again, it has already been established that it has been used against pneumonia, infectious disease, anti-cancer agents. And recent studies have also confirmed the consumption of cinnamon has potential to boost immunity against COVID. And simple a tablespoon of cinnamon once or twice a daily can be effective in eliminating or preventing viruses from infecting humans, especially in flu and other cold-related. Ginger is again well-known medicinal plant. Again, upper respiratory tract, bronchitis, against the cough. Its activity is established, and it is also established that it has got some important gingerols and chagols, important chemical compounds, which are very much effective against different bacteria, viruses, and fungus. And simple, a few slices of ginger root in boiling water may help soothing. Cough or sore throat. So it's both effective. Ginger and then the cinnamon and then ये चीजें when you use them when you utilize them they are very much effective cinnamon ginger इसको अगर आप इसके combination में आप green tea में इसको when you add them and then again another thing which helps you is any sort of upper respiratory tract for any sort of upper respiratory tract infection especially the flu and the influenza virus and the COVID-19 You need some water. Aap zehn mein rakhein. Your body is losing water contents from you in the form of severe high temperature. जब वो होता है ना बुखार ज्यादा होता है तो उसके बाद जब उतरता है तो perspiration rates high gets higher. आपका पसीने आते हैं ये पसीने जब आते हैं तो body में water content lower down होता है एक तरफ ये मसला है दूसरी तरफ lots of your this mucosal lining. ठीक है जी It, जो आप ये लूज कर रही हो ये स्पूटम वगैरह की फॉर्म में आपके पास फ्लूइड कंटेंट्स फ्रॉम द बॉडी को सो व्हाट इज सजेस्टेड इट लॉट्स ऑफ रेस्ट अलोंग विद फ्लूइड कंजम्पशन एंड इन सम ऑफ द डिजीजेस एंड स्पेशली इन द कोविड-19 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम इज दैट यू डोंट द नॉजिया एंड द वोमिटिंग सही है जी दिस फीलिंग ऑफ नाजिया बिकॉज ऑफ दैट द पीपल दे आर दे गेट रिलक्टेंट टू ईटिंग देन अगेन बिकॉज ऑफ सोर थ्रोट मुश्किल हो जाता है सो यू रिलाई ऑन द दिस लिक्विड थेरेपी एंड दिस इज अगेन एक तरफ आप क्या पी रहे हैं ग्रीन टी को डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ यूज करें बट ऑन द अदर हैंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग विद द लिक्विड थेरेपी एज वेल वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जब चल दैट यू इमीडिएटली यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स सही है जी कैफीन वगैरह टी इज नॉट दैट मच रिकमेंडेड हाउएवर द ग्रीन टी विद सम सप्लीमेंट्स विद दीज नेचुरल कंपाउंड्स इट इज वेरी मच इफेक्टिव इन बोथ वेज Another myth about the COVID-19, does sunlight really kill COVID-19 and what experts have to say? कोरोना के कोविड के दिनों में कुछ दो किस्म की थ्योरीज हमारे पास कुछ एस्टेब्लिश हुई एक तरफ अफ्रीकन फिर आ गया एक ये था एक थ्योरी हमारे पास ये थी कि जी जो जो टेम्परेचर राइज करेगा इसके नंबर कम होंगे हमारे पास ठीक हो गया जी और ये जी हाई टेम्परेचर को इसकी सेंसिटिविटी जो है वो नहीं है सर्वाइवल इसका नहीं है तो इसलिए ये वजह होंगी दैट वर बिकॉज ऑफ सम स्टडीज एंड इट वॉज सम एस्टेब्लिश स्टडीज हाउएवर वी डिड नॉट सी दैट मच यू कैन से कंट्रोल इन दैट इफेक्ट हाउएवर बट What happens is, in any sort of respiratory illness, just a concept clearing point, we know that aerosolic microorganisms, they get transmitted into the environment by the aerosols. Aerosols help to transmit them. Aerosols, what are aerosols? They are simply the vehicles which are carrying the microorganism, whether a
virus or whether a bacteria. A person sneezes, he expels aerosols into the environment, and those droplet nuclei, they can sit on, they can get into the contact with another person, susceptible person, and then the disease transmission can occur, and the secondary part, the subsequent person, they can get the disease. Ab kya hai, if, and the good thing and the point is over here is that the high temperature, high evaporation rate mein aapke paas aerosols ka survival time kam hota hai. That's the important thing. Jab aapke paas matlab bahut high temperature, acha dusra, I used to suggest this a lot. Jab garmi hogi, ab main AC vagaira un conditions ki baat nahi kar raha. I'm talking about the normal environments where you don't get not the luxuries, but like cities like ours and Ahmedabad, where we don't need air conditioners, especially in the basement, in the these areas, okay? Ground floor mein humein koi zarurat nahi hoti. So what happens during these days is ke summer ke dinon mein hamare paas क्या होता है पहले देखें आप वायरस या बैक्टीरिया के दो एक फेजेस आप ऐसा ले लें जिसमें सर्दी के दिन है सर्दियों के दिन व्हाट यू डू इज यू कीप द विंडोज शॉट यू कीप द डोर शॉट एवरीथिंग बंद करो भाई ये दर्जों से भी ठंडी हवा ना आए सही हो गया कि ये एनवायरनमेंट है अब एक बंदे को अ पर्सन इज स्नीजिंग अ पर्सन इज कॉफिंग व्हाट हैपेंस इज दीज एरोसोल्स दे कैन कंटेन्ड इनटू एन एनवायरनमेंट इन कंट्रास्ट टू दैट आप सर्दियों के दिन आप खिड़कियां खोलेंगे आप पंखे लगाएंगे आप दरवाजे खोलेंगे एंड यू डोंट गेट easily crowded as well. आप लोग तो सही है जी उसके बाद बैठना भी दूर दूर बैठो यार क्या जरूरत है गर्मी है ज्यादा तंग हो रहे हैं ठीक हो गया वैसे भी फास्ट लाइक कमरे में 10 आदमी 15 आदमी सर्दी में बैठ सकते हैं गर्मी वाले दिनों में वही कहता हूँ यार गर्मी है यार इट आउट ठीक है सो नेचुरली वट वी गेट इज देर आई यूज टू सजेस्ट इट कि नेचुरली हमारा जो पैसेज है हमारा कंट्रोल कंपेरेटिवली बेहतर होता है द वायरस और द बैक्टीरिया What happens is aerosols unko kam milte hain because aerosols they quickly get evaporated in this environment. Instantly evaporation bhi hoti hai hamare paas. Coming back to the slide, the sunlight or the UV radiations, they act as the principal natural virucide and bactericide in the environment. The scientists, they recently simulated the sunlight with a lamp that emitted UVB rays, UVA, BC, three types of the rays, and they on the exposed surface to the lamp light. And the simulated sunlight destroyed the novel coronavirus less than 20 minutes. It is सही है जी अच्छा यहाँ पे पॉइंट मेरा ये नहीं है कि आप डायरेक्ट आप समझें जी मैं लेटूंगा और उसके बाद तो साथ साथ आपको व्हाट हैपेंस इज द सनलाइट आप यू कैन विटनेस इट आई हैव बीन इन टू यूके फॉर लिव देयर फॉर अबाउट 5 years और मुझे आप बिलीव मी आई यूज टू फील समटाइम यू गेट डिप्रेस्ड डॉक्टर इम्तियाज साहब हमारे साथ वहां थे ये बात यूज टू से दिस थिंग कि आप हर वक्त ह्यूमिड वहां बहुत कम सूरज रहता है ठीक है जी हर वक्त आपके पास हर वक्त बादल हर वक्त मॉइस्ट कंडीशन हैं और बड़ा वो रहता है ठीक है जी मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कोई धूप आती थी किसी खिड़की से ना तो ओके लेट्स ब्रिंग अ कप ऑफ टी हम जाते थे चाय बनाते थे तब तक धूप चली जाती अच्छा चाय पीते हो चलो धूप आ गई आप सोफे बदलते रहते थे क्योंकि वो आ रही जा रही है या जो भी है एंड दिस थिंग्स नेचुरल दिस नेचर इट इज प्रोवाइडिंग यू विद वेरी सूदिंग इफेक्ट इन एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन ये आप सनलाइट जो है इट इज लाइफ See, so it is very much effective. However, it is always advisable to check the UV ray index in your area. आपको ये online available होता है कि आपका UV ray index क्या है? वो आपको बता देंगे. But the precautionary measure that should be used while enjoying the sun bath or sunlight. Last but not the least, I would suggest we being the Muslims, this is very much effective. I can openly, मैं strongly recommend कर सकता हूँ जब भी हूँ उस इस्लामिक जो concepts हैं उनको बिल्कुल इस्तेमाल करें. I used to listen to Surah Rahman and Surah Yasin a lot. I remember. अच्छा वैसे भी कुदरती बात है. When you feel sometimes when you feel that probably this is going to be your last prayer, तो इंसान हमारे best salah that I have offered for those during the 2006 earthquake. सही है 2006 के जलजले में जो नमाजें मैंने पढ़ी हैं मैंने जिंदगी में उतनी अच्छी नमाजें हैं आई फील स्टिल टुडे उतनी क्यों उस वक्त आप किसी वक्त भी ऐसा लग रहा था नेक्स्ट अभी सेकंड उसका आफ्टर शॉक्स आएंगे वी वॉन्ट बी देयर तो हर नमाज बंदे को ऐसा लग रहा था पॉसिबली इट माइट बी द लास्ट वन सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज जब भी आप वैसे भी अपनी जिंदगी में रखें लेकिन व्हेन एवर यू आर हैविंग दीज डिजीजेस सही है हमारे दीन में है आपको जो एक कांटा भी चुभता है ना तो उसके बदले में भी नेकी है ठीक है और डिजीजेस वगैरह ये चीजें जब भी आए देन डू मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप सिर्फ वो फूके मरवाएं आप खुद अपने लिए कुछ पढ़ें ये अच्छा होता है इट विल अफेक्ट यू एंड अबव ऑल बीइंग एन इम्यूनोलॉजिस्ट आई नो दिस थिंग आई बिलीव इन दिस थिंग
It is established. Microorganism, they can sense the susceptibility now. It is established. University of Leicester, हमारी university में ये paper professor Primrose के ये काम है इस पे, ठीक है? Sensing of bacteria पे उन्होंने काम किया and their studies are there on the internet which suggest के microorganism now they can sense the susceptibility. कौन वाला यार ये बंदा जो है इसको बीमारी बड़ी आसानी से लग सकती है, बहुत आसानी से हम we can infect him easily. सही है जी? So the sensing is there. So and you will feel it. If you are relaxing your mind, जब आप your immunity get boost up, आप relax होते हैं, you feel कि I'm on top of the earth, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक जा रहा हूँ. Guilt is something deep inside your heart, which is affecting your body. सही है? आपके अंदर कहीं गुनाह का एहसास भी है ना, वो आपके दिल को, आपके नजर उसको कमजोर करता है और ultimately ये थे. So I would recommend के whatsoever the different Islamic these recitations they are available to you, do consult them. Thank you so much for listening to the talk and I'm very sorry agar main thoda sa isko zyada baat kar gaya hu to. Anyways, ji Dr. sahab aapki sorry Dr. Imtiaz sahab sorry aapki wo mic off hai. Thank you very much, Dr. Yeah. Azam sir. Thank you yeah. for a very nice presentation. हमें एक बड़ा अच्छा educate आपने किया regarding the natural remedies. And yes, I endorse your point. तुम सुनो जी ये है कि बहुत सारी effectivities हैं. Problem ये है कि अभी तक हमने उन पे इतनी research नहीं की क्योंकि हम असल में westernized हो गए. हमने बहुत सारी जो थीम वेस्ट को बहुत सारी जगहों पे कॉपी किया, उनको आइडियलाइज किया और हमने अपनी जो लोकल इंडिजिनस प्रोडक्ट्स थी उन पे उतनी रिसर्च नहीं की. दैट्स व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड. तो एनीवे इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग के ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इन पे हमें मजीद रिसर्च करनी चाहिए, इनकी इफेक्टिविटीज को मजीद टेस्ट करना चाहिए और फिर इनके कॉम्बिनेशन को ट्राई करने चाहिए कि हाउ दे कैन बी मोर इफेक्टिव. एट द एंड इट्स वेरी गुड कि जब भी हमें कोई भी बीमारी होती है तो हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, वहां से मदद मांगनी चाहिए और बेशक ये जितनी भी वबाएं हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं और अल्लाह ताला ही इनको वापस हमसे टाल सकते हैं. एनीवे थैंक यू वेरी मच. कोई क्विक क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा वरना मैं शाहजहां साहब से कहता हूँ कि वो वैक्सीन पे हमें एजुकेट करें. जी ऑडियंस में से कोई क्विक क्वेश्चन हो तो जी. डॉक्टर शाहजहां साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? माइक बंद है. डॉक्टर शाहजहां साहब आपका माइक बंद है. हेलो आवाज आ रही है अब आपको? जी जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज आ रही है. जी डॉक्टर साहब आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन प्लीज. जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? डॉक्टर साहब अभी मैं देख के बताता हूँ, जस्ट ए मिनट डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब अभी आपकी स्क्रीन नहीं आई. डॉक्टर साहब इसमें एक ऑप्शन आ रही है प्रेजेंट नाउ, उसको क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप अपनी डेस्कटॉप शेयर करेंगे ना तो आ जाएगी. मैं शेयर करने की ट्राई कर रहा हूँ. जी जी मैं डॉक्टर आजम हयात साहब की प्रेजेंटेशन सुन रहा था और काफी एंजॉय कर रहा था. उन्होंने वैसे मेरी लाइफ काफी आसान बना दी है. उन्होंने काफी चीजें जो हैं वो शेयर कर दी हैं जो हमारे स्ट्रक्चर के बेसिक चीजें थी तो आई थिंक वो हो जाएंगी. अच्छा मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैं जूम ज्यादा यूज करता हूँ, टीम कम यूज करता हूँ. तो सर ये सामने जो फर्स्ट स्क्रीन है ना सर कैमरा नजर आ रहा है माइक और जहाँ पे जो ऑप्शन है इसी में राइट साइड पे आपके ऑप्शन है सर, जो माइक कैमरा के ऑप्शन है जहाँ वहीं पे राइट साइड पे प्रेजेंट नाउ. इस वक्त डॉक्टर साहब का कैमरा भी बंद है गलबन शायद इस वजह से ना हो कि कैमरा भी बंद. पहले आपका कैमरा ऑन था.
कैमरा मैं ऑन कर देता हूं, आप मुझे बताइएगा कैमरा ऑन हो गया सर? हमें नजर आ रहा है नहीं, कैमरा भी अभी ऑन नहीं, कैमरा तो ऑन है लेकिन प्रेजेंट नाउ वाला ऑप्शन भी आ रहा है आसिफ, ये थोड़ा सा इशू है, ये मेरे असिस्टेंट आ गए हैं वो कुछ थोड़ा समझा देते हैं मुझे। जी जी, ये शेयर करना ना हमने स्क्रीन को, ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी, स्टॉप शेयरिंग, अब शेयर हो रही है जी? जी आ गई, डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन आ गई है। आ गई जी, ठीक है, डॉक्टर साहब आ गई। जिस जगह पे भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ताकि अपनी स्क्रीन वगैरह को देख लूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी, ओके इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर इम्तियाज शफीक साहब एंड ही गिव मी अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द टुडे, that vaccines, what are the vaccines, how they are working, what is their mode of actions, and how a vaccine is developed. Because I am working on a project of HEC funded, which is almost 13 million, and it is about rapid research grant in which we are finding immune patterns and immunological expressions of different modulators which are involved in COVID-19. Because as Dr. Azam Hayat has mentioned that in some cases the persons are affecting a lot, they are getting serious condition, critical, and they go in hospitals. Like one of our participant, my teacher Dr. Fuk Sabir, was there. I was thinking that in critical condition he was example of a very good survival, and Dr. Azam Hayat has told mild symptoms, and he has told about his father that there smell or some taste important things, that it is not only the coronavirus which is causing COVID disease severity, it is our host genetics, our immune system is also determined that how it will affect our body. First of all, I want to introduce my university. University of Health Sciences is leading public university in the Punjab. We are not only coordinating with all colleges, hospitals of the Punjab, but we are conducting their exams, we are offering degrees, and we have 18 MPhil and PhD degree programs on our campus, University of Health Sciences. It is the our graduates of PhD and MPhil, and the in center, the one personality, do you know that Dr. KP Lone, who was suffering from COVID and expired, and we are on his demise spell, and he was very legend of not only Punjab University but for University of Health Sciences, for GC University and other, he has served a lot, and Dr. KP Lone was our mentor. I am working here as in charge of resource lab, which providing basic training, internships and facility not only for UHS students, for all the students who are coming from Punjab or KPK or other provinces. The university has established a research resource lab for biomedical research, in which anyone who is listening me can come to UHS and simple letter to VC, and he is very kind to give permission on the availability of the places. And this is my achievement and award that I have got, that I am HEC best university teacher, and I have got research award from Pakistan Council for Science and Technology, and I am working as a US Nurse Fellow for One Health and advisor to Punjab Thalassemia, publish my research articles in different journals. What we learn in this lecture, that is very important, that we will start from the basic concept. What is SARS coronavirus, COVID-19 disease, what are humanized antibodies, and what is vaccine? How vaccine works, types of vaccines, and their mode of actions. Vaccines against SARS coronavirus, which are in different trials, clinical, preclinical, and what are these trial and different stages. And at the end, I will discuss my research project on the vaccine development. As Dr. Azam has told about the SARS coronavirus 2 that belong to genus beta coronavirus and coronavirus family identified by China, which is caused by a pathogen coronavirus 2 family SARS. SARS is abbreviation for severe acute respiratory syndrome coronavirus, that was SARS coronavirus 1, and now this is called SARS coronavirus 2, and disease is called COVID-19 Coronavirus Disease 2019.
WHO, World Health Organization, name it COVID-19 and declare pandemic all over the world from 2020. It transmits from human to human via droplet and contact, and that's why the all scientists, all epidemiologists are forcing that you should use mask, and the only solution to spread the, to stop the chain is mask. The most common symptoms, as in detail, has been discussed by Azam. So we will continue. Structure of COVID-19 virus is most important. The structure in which, first of all, we come to know the spike glycoprotein. These spike glycoproteins are like crown, so it is called coronavirus. And these spike glycoproteins are important because these are going to infect, these are going to bind with receptor S2, and these are the proteins which are using as for the protection. For the, when we are going to design any defense system, we are going to boost our immunity, we are going to produce vaccine, we should know the strength of our enemy. The enemy is here, our pathogen is SARS coronavirus. So the structure is very important, and the most important is spike glycoprotein, as we are making many monoclonal antibodies, and most of trials are on the basis of this spike glycoprotein to interfere, to inhibit, or to stop the entry of the virus. Membrane glycoprotein, are you listening here, Imtiaz? Yes, sir, it's clear and loud. Thank you. Membrane glycoprotein is the second one, which is important, and it is important as it is used for the entry in the cell. Envelope glycoproteins, stress glycoproteins, and nucleocapsid, which controls its genetic material, because it is very simple that it has only one code with different glycoproteins and the genetic material, and it is the virus. The genome has been sequenced, and we should salute and we should congratulate or appreciate our scientist that has sequenced all in the start, including in when it comes in December 2019. It was available in January 2020. That whole virus genome was sequenced, and on the basis of this virus genome, we have developed, the scientists have developed diagnostic and therapeutic agents, including vaccines. Diagnostic tests, as you all know, are the ELISA and RT-PCR. ELISA depends on antibodies and it determines antibodies titer. And RT-PCR, reverse transcriptase, PCR determine viral RNA. We convert viral RNA into cDNA and then amplified by PCR, real-time PCR, and it is detected by PCR. There is extensive work done in first half of 2020. And the most important is that this first half, in which the sequence has been determined, molecular and therapeutic pathways for the treatment of SARS coronavirus has been developed, and more than 200 clinical trials are currently underway to test novel and repurposed compound against SARS coronavirus. It is not only the vaccine, there are the multiple protease inhibitor, other inhibitors which are in pipeline, and 200 clinical trials which now is coming from preclinical to clinical. Now, we start from the basic concepts. What is humanized antibody against viruses? An antibody is a Y-shaped protein produced by B cells. There are several different kinds of antibodies designed to produce the antibodies. These antibodies are specific. These have the tag. These have the like work like a probe that define or detect as virus as a foreign invaders. So for enemy, for foreign invaders, pathogens, if there is a recognition, there will be production of antibodies in from the body part of the virus, and it neutralizes to the surface of a virus, to the surface of a pathogen. It blocks its entry into any host cells. Actually, it prevents infection or disease. This is called neutralization. It is naturally occurring in the body when you expose to any virus. So at when Dr. Azam was giving example, very simple example of our immune system, that when we are using with the these garbage and the other things, that they are
use their immunity boost up and they are easily neutralize the pathogens. So it was one reason that the in first wave and second wave, our population responded very well on the basis of two, that we are immune to many pathogens as we have no care for our cleanliness and the other things, and this natural provides us immunity antibodies. And the second thing which was important, that we are using BCG vaccine program, and these also boost our immunity, since that we have responded, Pakistani population responded very well. Antibodies which occur naturally in some people after vaccinations or infection can be copied in the lab. Then we have made these antibodies also in the lab to given the people as a prevention option of the treatment. One is the natural antibodies that produce in, can prepare these in our labs, and we use a term monoclonal antibodies. These monoclonal antibodies are the specific antibodies which are from singular cells, and these are the special, significant, specific, unique epitope which recognize that, and these are laboratory made antibodies. Direct administration of monoclonal antibodies may play effective role in to control coronavirus as intervention in exposed individual. It has been observed that patients recovering from SARS display potent neutralizing antibodies, and in start the plasma has been used from recovered patients and was given to the patients. Monoclonal antibodies may be able to provide immediate protection or treatment for those who are exposed and not yet vaccinated. Vaccine means that we give anything prior to infection, and monoclonal antibodies we can give the patients who have been exposed. Monoclonal antibodies may be required for people who cannot develop or maintain an adequate immune response after vaccination, such as older adult or immunocompromised. And the targets that, as I have described in the structure, that COVID-19 S protein is very important. These S proteins, S glycoproteins, spike proteins can be used as purpose of monoclonal antibodies. Now we come to the vaccination. When I was attending the lecture of Dr. Azam, when I have observed that there was Qazi Samuel Haq and the other, the persons may be the teacher which want to explain all the terminology with very simple, for the very digestible and absorbable for the layman, and then we will go to the scientific and the more technical are our terminologies, which are vaccination. What is vaccine? Vaccination is a simple, safe, and effective way of protecting people against harmful disease before they come into contact with them. Before they come into contact means they are not exposed to any we should train their immune system. We use their body's natural defense to build resistance to stronger, that will boost the immune systems. We train our immune system to create antibodies to a disease when a disease has come in our. Because I belong to Miyawali, and there are the famous asil murghe. Ye asil murghe jinko hamari zaban mein asil kukad bhi kaha jata hai. Agar koi bachpan mein hum sunte the ki ji koi murgha ek dafa bimari se bach jata hai to next year wo us bimari se रिकवर बीमारी से इफेक्ट नहीं होता था, तो इसका मतलब ये था कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाती थी एक इन्फेक्शन से, उनकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उनमें पैदा हो चुकी है। वैक्सीन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन ट्रेन्स इम्यून सिस्टम टू क्रिएट एंटीबॉडी। इट मीन्स दैट यूज बॉडीज नेचुरल सिस्टम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, मेकिंग आवर इम्यून सिस्टम मोस्ट स्ट्रॉन्गर। क्रिएट एंटीबॉडीज एंड it works like as exposed to disease. Example of vaccine preventable disease are measles. Measles have been finished all over the world. Polio has been eradicated with the help of vaccination. Now hepatitis B, influenza, and many others has been controlled by different vaccination program. When many people have immunity, this also directly protects people who cannot be vaccinated, such as very young babies and those who have compromised immune system. When we produce immunity in our community, it causes herd immunity and it will helpful for the others. How vaccines work, which is an important question. Vaccines greatly reduce the risk of infection by training the immune system to recognize the fight pathogens such as virus or bacteria. When we immune or we vaccine any person, it will be able to recognize the coming threat, to recognize the invaders, fight with pathogens. It will be
have a memory. Our B cells have produced antibodies and it will recognize any invaders. It can be done easily by vaccine delivery. We deliver an immunogen, which is a specific type of antigen. That is an immune response, train immune system to recognize the pathogen which it is encountered naturally. Vaccine can be administered through different routes. We can deliver vaccines by injection in the muscles or under the skin. We have to repeat it. We give booster dose when immunity wears up. When immunity goes down, we can boost up with it. Its example is like that flu vaccine. We use flu vaccine in cold, and it is called also seasonal vaccine, that it is repeated every year. Immunize people against viruses causing disease that may be different from the season to season. Now, we are going to the different example of COVID-19 vaccines. Now, this is very related to our topic, the different vaccines against COVID-19. Mostly, we use vaccines are on the basis of protein. We use protein subunits. These are the companies which are using RNA nucleic acid technology.